जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की बंगलोर से भर्ती आई हुई है उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आपको इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, साथ ही इसके शॉर्ट में क्वालिफिकेशन बताने का भी आपको प्रयास करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी यहाँ पर 19 अगस्त 2023 तक आवेदन कर पाएंगे और आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपये है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर 18 से 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी स्वीपर की और अटेंडेंट की पोस्ट रहने वाली हैं, दोनों 10th और 12th पास आपकी वैकेंसी हैं। यदि आपने 10वीं या 12वीं कक्षा पास आउट की हुई है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये आपका सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है, आपको इस सेंडिंग एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आपको आवश्यकता रहने वाली है, इसको आप यहाँ पर एक बार याद रखेंगे कि आपको ये अपने लिफाफे पर एड्रेस लिखना है। इसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म का PDF आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, इसके लिए आप वीडियो को वॉच कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी इस भर्ती की डिटेल में क्वालिफिकेशन और आप ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि आप सभी को इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे आप सभी ऑफलाइन फॉर्म PDF को डाउनलोड कर लेते हो तो वो आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप सभी को यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद उस पर सिग्नेचर कर देंगे, आधे आपके फोटोग्राफ के बाहर और फोटोग्राफ के आधे ऊपर रहने चाहिए। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम यहाँ पर मैंशन करेंगे और पोस्ट का ही नाम आप यहाँ पर दोबारा मैंशन कर देंगे। यानी आपको फर्स्ट 2 कॉलम में आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा कि आप अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर नाम लिखना होगा। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप सभी को अपने यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद आप सभी यहाँ पर साथ ही साथ करते हुए चले जाएंगे, मेरे साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को अपना फादर नेम आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सबसे पहले दिन में, उसके बाद यहाँ पर आप सभी मंथ में लिखेंगे और उसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को ईयर में लिख देना होगा। ठीक है, इसके बाद आप सभी को अपने जो आपकी एज है उसको आपको फॉर्म के अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 19 अगस्त 2023, उस दिन से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है और आपकी एज कितने ईयर कितने मंथ और कितने दिन की हो रही है कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर करस्पोंडेंस एड्रेस के बारे में जानकारी देनी होगी। बस आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर आप हाउस नंबर के बारे में आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर रिक्त छोड़ेंगे, ओनली अपने गाँव का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस यानी आपका डाकघर क्या, डाकघर के बारे में जानकारी, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या, स्टेट क्या, पिन कोड क्या है यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद यदि आपके करस्पोंडेंस एड्रेस और जो आपके परमानेंट एड्रेस हैं वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम लिखेंगे। आपको अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत होगी आपको अपने एड्रेस को लिखने में, तो प्रॉपर आप सभी अपना यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई करें कैटेगरी के बारे में जानकारी देंगे। आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपके पास के पास एक्सपीरियंस है, अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना नो लिखेंगे। इसके बाद फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई करें उसके बारे में जानकारी देंगे। कोई आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग है या एक्सपीरियंस है तो यस लिखेंगे, वरना नो लिखेंगे। आपके पास जो डोमिसाइल है, जो आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वो आपके पास किस स्टेट का है उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो यस वरना नो लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना आप कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करें पहले से डालेंगे। इसके बाद आप सभी को आज की यहाँ पर डेट आप सभी को डाल देनी होगी। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद जो आपका ये रहने वाला है ये आपको फिलअप नहीं करना है, ये आपका ऑफिस यूज के लिए रहने वाला है, ये आपको फिलअप नहीं करना होगा। बस आपको एक्नॉलेज कार्ड में आ जाना है और यहाँ पर फिर से दूसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना और यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद आप फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आप 2 बार पहले मेंशन कर चुके हो, अब की बार आपको
तीसरी बार मेंशन करना है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर अपना फादर नेम, यहाँ पर आप सभी को अपने गांव का नाम आप सभी को मेंशन करना है। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, उसके बारे में आप सभी जानकारी दे देंगे। इस प्रकार जो आपका 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपका कंप्लीट फिलअप हो चुका है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको अपने बुक सेलर पर जाना है, 2 लिफाफे खरीदने, एक आपके पास छोटा वाला लिफाफा रहेगा जो आपके पास इस प्रकार का रहने वाला है छोटा वाला, और अभी मैं आपके सामने बड़ा वाला जो लिफाफा रहेगा उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका मान के चलिए बड़ा वाला लिफाफा है। तो आपके छोटे वाले लिफाफे पर क्या करना है, आपको 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। 2 कॉमा लगाने के बाद आपको अपना यहाँ पर प्रॉपर आप सभी को अपना एड्रेस मेंशन करना है, आपको अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर आप डाक टिकट लगाएंगे, कम से कम आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है, अधिक से अधिक आप 1 रुपये का भी लगा सकते हो। इसके बाद जो आपका बड़ा वाला जो आपका लिफाफा है उस पर आपको यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर आपको देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार डिटेल में बताना ही चाहूँगा। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप सभी को अपने यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है वो आप सभी को मेंशन कर देना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा कैटेगरी, यानी आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको साइड में यहाँ पर फॉर्म लिखना है और कॉमा लगाना होगा। फॉर्म कॉमा लगाने के बाद आपको अपने यहाँ पर प्रॉपर आप सभी को अपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है, नाम, अपना फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। और जो मैंने आपको वेबसाइट पर सेंडिंग एड्रेस बताया था ना, वो आप वेबसाइट पर देख लेंगे, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, उस एड्रेस को यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, जो आपका छोटा वाला लिफाफा था उसको इसके अंदर रख देंगे। अपनी सभी डॉक्यूमेंट, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर बताए हुए हैं, वेबसाइट का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से डॉक्यूमेंट को चेकआउट कर लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट पर एक फोटोकॉपी करवा लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। सभी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद इस लिफाफे के अंदर रख दीजिए। इसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद फॉर्म को रजिस्टर्ड है स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दीजिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन इस रोजगार की खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज थोड़ा वीडियो जल्दी में बनाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।